हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट में। आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एसआई 27 अगस्त के दिन जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो आए थे। तो एक क्वेश्चन था मैथ में कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो इस एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना है कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन 7 को ऐड कर देना है और फिर 7 से डिवाइड कर देना है उसको। तो अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये मेरे 7 अभाज्य संख्याएं हो गए। और इन सब का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा 58 और इसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो 7 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये सब क्रॉस आउट होके आ जाएगा मेरा 8.2। तो 8.2 मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ में, तो ये आप लोग आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोनों में 20 जो भी पूछे जा रहे हैं बिल्कुल ये आपको श्योर शॉर्ट नंबर देंगे। इसमें कहीं भी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें कहीं भी नंबर नहीं कटने वाला है और आप लोग अच्छे नंबर इसमें आराम से ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, 3 संख्याओं के वर्ग का योग 150 है और 3 संख्याओं का योग 25 है। तो एक साथ दो संख्याएँ लें और उनको गुना करें तो उनके गुणनफल का योग क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 संख्याएं हैं तो उनका योग दिया हुआ है वर्ग का 150 और उनके संख्याओं का योग दिया है 25। अब बोल रहा है कि एक बार में 2 संख्या लेके मल्टीप्लाई करें और फिर सबको जोड़ें तो उसका क्या होगा रिजल्ट। तो मान लेते हैं 3 संख्याएं हमारे पास हैं, ए बी और सी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी का योग दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास दिया हुआ है 25 और मेरे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 150। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 25 है और 3 संख्याओं के वर्ग का योग 150 है। तो 3 संख्या हमने मानी थी ए बी सी, तो तीनों का हमने योग पहले निकाल लिया तो वो हो गया मेरा 25 और तीनों का वर्ग करके और 150 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एक फार्मूला आपको ध्यान होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये है मेरा 25 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है वो है 150। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 25 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 25, इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 25। तो अगर हम यहाँ 25 वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो हो जाएगा मेरा 625। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 150। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 2ab 2bc 2ca। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बच जाएगा ab प्लस bc प्लस ca और उधर मेरा था 25 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करने पर वो आया था 625 और इसमें से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ था 150 उसको हम माइनस कर देते हैं
तो जो भी आएगा रिजल्ट उसमें फिर टू से हम डिवाइड कर देंगे। तो टू से जो डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा वैल्यू निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोण का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जो बच्चे अगर तैयारी कर रहे थे एसएससी का या फिर रेलवे का, तो वो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, उन्हें बहुत मुश्किल नहीं होगी। अगर आप मैथ अगर थोड़ा भी अच्छे से अगर पढ़े हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दो तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप मैथ थोड़ा सा भी अच्छे से अगर पहले किए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 3:4:5। आपको पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और यहाँ रेशियो जो है वो दिया है 3:4:5 के अनुपात में। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5:4:9:9:3:12 12। और सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से हम काट देंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में 4 से ये कट जाएगा 45 टाइम्स में। तो जो सबसे छोटा मेरा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर हम बड़े की बात करते हैं तो फिर से सेम वही प्रोसेस है, 180 डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रेशियो हुआ था। तो रेशियो मेरा था टोटल 12, और बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 5। ये हो जाएगा 1:5। तो फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 15:5=75 डिग्री। तो ये मेरा दोनों निकल गया, सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी। तो जो भी ऑप्शन ऑप्शन में दिया होता छोटा बड़ा आप उसको आराम से कर पाते। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए पूछा था, एक क्वेश्चन दिया था 60, 100, 40, 30, 90, 110, 220, 180 का मीन बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। दिया था कि दो वर्ग के भुजा का अंतर 5 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का योग 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनके परिमिति का अनुपात निकालिए। तो आप मान लीजिए कि दो वर्ग की भुजाएं हैं, एक को अगर आप एक्स मान लेंगे तो अगर आप एक को एक्स मान लेंगे तो दोनों का अंतर 5 है, तो दूसरा हो जाएगा मेरा एक्स प्लस 5। तो दिया है कि दोनों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है अगर वर्ग का निकालें तो वो ए स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये मेरा दिया हुआ है 625, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। लास्ट में मेरा जो आएगा इक्वेशन आएगा 2x² + 10x - 600 = 0। और फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 20। तो एक अगर 20 आएगा तो दूसरा हो जाएगा मेरा 25। तो ये दो जो भी वर्ग दिया था तो ये दो वर्ग का मेरा साइड निकल गया। तो यहाँ से आप उन दोनों की परिमिति निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका रेशियो आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। दिया था एक दुकानदार 6,000 रुपये के सामान पर 10% की किसी ग्राहक को छूट देने का बात करता है, और तथा उस पर फिर 12% GST लगाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 6,000 रुपये है ये, और उस पर बोला जा रहा है कि 10% का छूट देता है,
तो अगर 10% छूट देंगे तो बचेगा कितना, टोटल 90% बचेगा मेरे पास। अगर ये पूरा अगर 100% मानते हैं तो 90, तो कर देंगे 90/100। और बोलता है कि उसका फिर से 12% GST लेता है, तो वो तो बढ़ जाएगा फिर 12%, तो इसमें कर देंगे 112/100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन था, 1,00,000 को 12% और 8% के साधारण ब्याज पर दो हिस्सों में लगाया जाता है। यदि 3 वर्ष के बाद 1,00,000 रुपए है तो उसको दो हिस्सों में लगाया जाता है, कुछ को 12% की दर से 3 वर्ष के लिए और कुछ को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए। और बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष के बाद उसे तो कितना यहाँ उसको ब्याज मिलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर वो डेटा मिसिंग है, वहाँ पर सही उसका डेटा नहीं मिल पाया हमें। तो पूछ रहा है कि अगर 3 वर्ष के बाद उसे, यहाँ मान लीजिए कि जो कुछ भी दिया रहता, जो भी यहाँ डेटा दिया रहा था ब्याज मिलता है, तो 12% ब्याज पर कितना धन लगाया गया था। तो आप अगर x मान लेते हैं एक धन को, तो दूसरा हो जाएगा 1,00,000 - x, और उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और दोनों को ऐड करके और उसको इसके बराबर कर दीजिएगा जो वैल्यू दिया रहेगा, तो वो आपका आंसर उसमें निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब रीजनिंग के क्वेश्चंस थे कुछ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 26 जनवरी से लेके ये 11 जून में कुछ डेट दिया हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है कौन सा दिया हुआ था, तो लेकिन यही था कि 2004 में 26 जनवरी से लेके 11 जून मान लीजिए, तो 11 जून के बीच में कितने दिन होंगे। तो ये आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि 2004 दिया हुआ था तो ये एक लीप ईयर है, तो इसमें जो फरवरी होगा वो 29 डेज का होगा, तो बस यही आपको ध्यान देना था। इसके बाद तो आपको पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो वो आप लोग काउंट कर लेंगे। एक क्वेश्चन था, 5 था 26 था और 10 था, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए 5 × 5 = 25 + 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया है, तो यहाँ भी 10 में 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे। चले देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए ये मैथ का एक क्वेश्चन था, एक दिया था ये फिगर यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। ये दिया था ए बी, ये एक साइक्लिक दिया था क्वाड्रिलेटरल, और ये दिया था जो ए डी पैरेलल है ये बी सी के, ये पैरेलल है, और दिया था कि ये जो एंगल बी है वो 82 डिग्री है, तो एंगल सी का वैल्यू निकालना था। तो देखिए ये दोनों ए डी और बी सी पैरेलल हैं, तो जो एंगल बी होगा और एंगल ए होगा, तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो जो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 82 है तो ये हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 98 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग होता है 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि जब साइक्लिक कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अपोजिट साइड का अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये अगर जब हो जाता है मेरा 98 डिग्री, तो ये एंगल सी हो जाएगा मेरा 82 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया था -70 और 0.24 की दूरी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 0 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी पॉजिटिव, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो -70 इधर कहीं होगा मान लीजिए यहाँ है, और ये दिया हुआ था एक -24, तो -24 इधर होगा कहीं, और ये मान लीजिए कि यहाँ माइनस है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 यूनिट हो जाएगा, ये 24 यूनिट हो जाएगा। तो आप ये 90 डिग्री हैं ही, तो आप क्या कीजिएगा, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर,
और इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे दिया हुआ था कि चार फ्रेंड हैं, चार का फ्रेंड का नाम दिया हुआ था और पूछा गया था कि उसमें डेटा दिया हुआ था कि वो उसके दाएं बैठा हुआ है और कौन सबसे बाएं नहीं बैठा हुआ है, इस तरह का डेटा दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि सबसे बाएं साइड पर कौन सा बैठा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो उसे आप अगर ध्यान से अगर पढ़िएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर पाइएगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे दो क्वेश्चन, उसमें एक सीरीज था, दो था, पाँच था, 11 था, क्वेश्चन मार्क था, उसके आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो इस टाइप के सीरीज पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। और चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे दिया था कि एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और फिर सबके बीच का रिलेशन दिया हुआ था और फिर लास्ट में पूछा था कि टोटल कितने उसमें मेल्स हैं, मतलब कितने उसमें पुरुष हैं। और एक और क्वेश्चन जो इसमें था तो उसमें दिया हुआ था कि उसमें सदस्य का संख्या दिया हुआ था और सबका रिलेशन दिया हुआ था और पूछा था कि इसमें से कौन, जैसे एक अगर सी दिया हुआ था तो पूछा था कि सी की मदर इसमें कौन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके ब्लड रिलेशन के। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के दो क्वेश्चन थे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जो पैटर्न दिया हुआ था वो, जैसे अगर मान लीजिए कि दिया हुआ टीचर, तो इसमें इसको जैसे एक पहले दिया हुआ था कि उसको पहले एक सॉल्व करके दिया रहा था, फिर अगला उसी आधार पर दिया रहता है और उसी आधार पर आपको सॉल्व करना रहता है। तो इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ था उसमें सबको एक एक प्लस करके सब में प्लस वन कर दिया था और आगे दिया था। और सेम जो दिया था तो उसमें भी आपको सेम वही कर देना था, वन प्लस करके आगे देख लेना था, वैसे था। और एक और जो क्वेश्चन था तो उसमें जो पहला दो था, जैसे अगर हो गया स्टूडेंट, तो उसमें जो पहले दो को लेके सबसे लास्ट में लिख दिया था, यानी कि सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले लिखा था, फिर दो को उठा के उसके बाद लिखा था, फिर दो को उठा के उसके बाद लिखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे थे उसमें। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये कोडिंग डिकोडिंग और ये जो सीरीज के क्वेश्चन हैं वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे, वो आसानी से आप लोग उसे सॉल्व कर पाइएगा। और टाइम डिस्टेंस एक क्वेश्चन था, दिया था कि कोई घोड़ा है तो उसका बच्चा अगर 4 घंटा पहले भाग जाता है और वो उसका पीछा करता है, वो उसे 1.5 घंटे में पकड़ लेता है। और फिर घोड़े के चाल दिया गया था कि एवरेज स्पीड उसका 70 किलोमीटर है, तो पूछ रहा था कि जो उसका बच्चा था तो वो कितने तेज़ी से भाग रहा था। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाइएगा। और ये जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इसमें आप लोग पूरे के पूरे नंबर आराम से गेन कर पाइएगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। और एक था मिक्सर का क्वेश्चन था कि पानी और दूध के मिश्रण में और कुछ मात्रा दिया हुआ था कि इतना लीटर फिर से मिलाया जा रहा है तो नया कितना बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज़्यादा टफ के आप लोग चक्कर में मत पड़िए ये सोच के कि SSC वाले लेवल का, वैसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग बेसिक एकदम पढ़िए, मेंसुरेशन पर ध्यान दीजिए और परसेंटेज के दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर आप लोग बेसिक केवल याद रखिएगा, फॉर्मूले वगैरह याद रखिएगा, तो आप लोग आसानी से इस दोनों सेक्शन को आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस और झारखंड और सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न आए थे। तो मेरे पास लगभग सब मिला के जनरल साइंस और सामान्य अध्ययन और झारखंड से मिला के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो उसको अभी हम थोड़ी देर बाद में उसको भी अपलोड कर देंगे। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कैसे आप लोग को लग रहे हैं। कोई और सजेशन हो या फिर कुछ सुझाव, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग उसे ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।